एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट श्री मानोटन डल्लू जी, स्कॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर जिनके पास अभी जम्मू के कुलपति का भी कार्यभार है, प्रोफेसर नजीर अहमद गनई जी, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट शबनम कामली जी, सभागार में उपस्थित स्कॉस्ट जम्मू और स्कॉस्ट कश्मीर के सभी फैकल्टी मेंबर्स, हमारे एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट के सभी विभागाध्यक्ष ऑफिसर्स, किसान एडवाइजरी बोर्ड के सम्मानित सदस्य और बड़ी संख्या में उपस्थित किसान भाइयों और बहनों, आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जम्मू कश्मीर के 16 जिलों के किसान भाइयों को समर्पित की गई है। मैं आप सबको इसकी बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये सच है कि देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना काफ़ी पहले प्रारंभ हो गई थी, लेकिन कुछ कमियों के कारण उसका लाभ किसानों को ज़्यादा नहीं मिलता था। 2016 में देश के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उस पूरी योजना में बड़ी तब्दीली की और प्राकृतिक आपदा और रोगों से किसान भाइयों को और उनकी फसलों की रक्षा, और मैं कहूं कि उनके आमदनी में एक स्थायित्व, इस योजना का एक महत्वपूर्ण भाग हो गया। मेरे पूर्व भी बताया गया कि किन्हीं कारणों से जम्मू कश्मीर के सिर्फ 4 जिले में, सांबा, उधमपुर, जम्मू और अनंतनाग, ये सुविधा हो पाई थी किसानों के लिए। आज बचे हुए जो 16 जिले हैं उन सभी के किसान भाइयों के फसल को एक सुरक्षा कवच, या मैं कहूं कि उनके हितों को एक सुरक्षा कवच आज से मिल गया है। अभी आपने वीडियो देखा, प्रधानमंत्री जी को सुना आपने, उन्होंने एक बात कही कि न्यूनतम प्रीमियम के साथ किसान कल्याण के लिए अधिकतम बीमा हो, ऐसी व्यवस्था इसमें की गई है। और मैं पहला मेरा निवेदन सभी किसान भाइयों से होगा और अपने विभाग के सहयोगियों से भी, किसानों को प्रेरित करके अधिक से अधिक लोग इस योजना से जुड़ें, क्योंकि शुभारंभ होने से लाभ नहीं होगा जब तक अधिक से अधिक किसान भाई, और किसान भाई जुड़े इसके लिए उसको ये बताना पड़ेगा कि जुड़ने के लाभ क्या है। सभागार में जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं, जो प्रबुद्ध किसान हैं, उनसे भी मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करूँगा कि अपने क्षेत्र में, अपने गांव में सामान्य किसान में एक जागरूकता आवे, इसके लिए हमें जरूर प्रयत्न करना होगा। आप में से अनेक लोगों को पता होगा 2016 के पहले बीमा के संबंध में किसान भाइयों के मन में प्रीमियम को लेकर के बड़ी दुविधा रहती थी, और मैं उस समय देश की संसद में था, भारत सरकार में भी था। मैं एक बात कह सकता हूं कि वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने स्वयं व्यक्तिगत रुचि लेकर जो ये नई बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वो एक अच्छा सुरक्षा कवच किसानों के लिए बना, जिसमें ज़्यादा बोझ सरकार पर पड़ता है और बहुत न्यूनतम बोझ से किसान को ज़्यादा लाभ मिलता है। आज इस मंच से मैं जम्मू कश्मीर के सभी किसान भाइयों से आग्रह करता हूँ, इससे जुड़िए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई जुड़ेंगे, मैं समझता हूँ कि इस बीमा योजना से आपको बहुत ही लाभ होने वाला है।
कायदे से हमें ये बात नहीं कहनी चाहिए क्योंकि इसका बोझ तो अल्टीमेटली हमारे ऊपर आना है, लेकिन किसान के हित के लिए बोझ जितना आएगा जम्मू कश्मीर प्रशासन माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर ये लेने के लिए तैयार है। क्लाइमेट चेंज की चुनौतियां हैं, प्राकृतिक आपदा की चुनौती है, कीट रोगों के कारण फसलों की सुरक्षा है और आपकी समृद्धि और धन धान्य सुरक्षित हो, इसमें एक महत्वपूर्ण कदम आज उठाया गया है। मुझे लगता है कि कई पैरामीटर्स पर लगातार काम हो रहा है। मेरे पूर्व डुल्लू साहब ने बहुत विस्तार से बताया है, हमारे कुलपति वाइस चांसलर साहब ने भी बताया है। अब वो प्राकृतिक आपदा से फसल बीमा योजना आपको सुरक्षा कवच देगी, इनोवेशन और क्रेडिट लिंकेज कैसे बढ़े इसे भी सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। अब मुख्य फसलें आपकी इसमें कवर हो गई। बुल्लू साहब ने आपको बताया कि कुछ हार्टिकल्चर प्रोड्यूस हैं, पूरी कोशिश हो रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि मार्च तक हार्टिकल्चर के किसानों को भी ये कवच उपलब्ध हो जाएगा। किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% और रबी फसलों के लिए केवल 1.5% प्रीमियम देना है। दोनों तरह की फसलों में प्रीमियम की दरें बहुत ही न्यूनतम हैं। शेष जो प्रीमियम देना है वो सरकार देगी। ये कभी खजूरिया साहब ने कहा कि बाद में जब क्लेम करता है किसान तो दिक्कत होती है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ क्योंकि प्रीमियम पहले ही दे दिया जाता है, इसलिए वो दिक्कत नहीं आने वाली। सेंट्रल शेयर और स्टेट शेयर बीमा कंपनी को हमें पहले ही भुगतान कर देना होगा, तो जब आप क्लेम करेंगे तो अगर प्रीमियम नहीं मिलेगा तो बीमा कंपनी आएगी ही नहीं, तो इसलिए वो दिक्कत आने वाली नहीं है। तो जो किसानों को नुकसान होगा वो मिलेगा। योजना के उचित प्रबंधन के लिए, फसलों के नुकसान की जानकारी देने के लिए एक मोबाइल ऐप का भी प्रबंध किया गया है। इंश्योरेंस कंपनी का टोल फ्री नंबर भी होगा। किसान भाई अपने ब्लॉक अथवा जिले के कृषि विभाग के ऑफिस में भी ये रिपोर्ट कर सकेंगे। मैं डुल्लू साहब और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई दूंगा। एक लंबे समय से जो जम्मू कश्मीर के किसानों की अपेक्षा थी, वो अपेक्षा आज पूरा करने में आप सबकी मेहनत के कारण हम सब सफल हो सके। इस योजना का सकारात्मक प्रभाव निश्चित रूप से खेती बाड़ी के परिदृश्य पर पड़ने वाला है। मोटे तौर पर हम सब मिलकर चाहते हैं कि एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण जम्मू कश्मीर में हो जिसमें हर एक खेतिहर परिवार, हर एक किसान अपने सपनों और अपने आकांक्षाओं को पूरा कर सके। आपके समक्ष ही आज नेशनल सीड कॉरपोरेशन के साथ अच्छी क्वालिटी के सर्टिफाइड बीज जम्मू कश्मीर के किसानों को मिल सके, इसके लिए एक MOU साइन किया गया है। अनाज हो, दलहन हो, तिलहन हो, सब्जियां हो, सभी फसलों के लिए बेहतर क्वालिटी के बीज का उत्पादन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, ये स्वाभाविक रूप से फसल की पैदावार बढ़ाएगा। और जिस अपेक्स कमेटी की चर्चा हो रही थी, डुल्लू साहब ने आपको बताया, पहला काम यही है कि आप किसानों के बीज को बदल देना है, अच्छी क्वालिटी का बीज किसान इस्तेमाल करे, इससे स्वाभाविक रूप से पैदावार भी बढ़ेगी, आमदनी भी बढ़ेगी। इरिगेशन शेड्यूल जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न दोनों का लॉन्च हुआ है। अब मैं समझता हूँ कि जो बात बार बार इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि पर ड्राप मोर क्राप, इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई गई है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि टेल एंड तक पानी पहुँचे। कुछ लोग हैं जो नहर पर ही कब्जा कर लिए हैं,
अब उनको नोटिस जाती है तो यहाँ के लोग कहते हैं साहब ये तो बड़ा गड़बड़ किया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नहर में पानी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ये जिन लोगों ने नहर की ज़मीन पर कब्जा किया है उनको छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? तो फिर इस बात का जवाब आपको भी देना चाहिए। अरे नहीं दे रहे हैं, तो सब कह रहे हैं गेलजी साहब यही काम ही कर रहे हैं केवल पानी। तो मुझे लगता है कि ये हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इसलिए केवल साइलोज में अगर हम किसी चीज को देखेंगे तो मुझे लगता है कि उससे ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है और इसलिए मैंने इस बात का जिक्र किया। अब कृषि के उत्पादन को बढ़ाना है, सीप और गोट सेक्टर में इंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। तकनीक के आदान प्रदान के लिए न्यूजीलैंड के साथ अभी पिछले वर्ष एक समझौता किया गया था, हाई क्वालिटी सीप प्रोडक्शन के लिए नई यूनिट स्थापित की जा रही है और दो साथियों को अभी मेगा सीप यूनिट के लिए जो सब्सिडी देनी थी उसका प्रमाण पत्र भी दिया गया है। मैं उन दोनों साथियों को हृदय से शुभकामना देता हूँ। आम तौर पर आप देखेंगे सरकारी कार्यों में ये माना जाता है कि जिस प्रदेश की विकास नीति के केंद्र में किसान होगा उस प्रदेश की तरक्की की रफ्तार को कोई रोक नहीं सकता है। और हम सब जानते हैं कि बड़ी आबादी लगभग 70% हमारी आबादी कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। कोशिश हम सब कर रहे हैं एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ जम्मू कश्मीर के किसानों खेती की दशा बदली जाए और जो प्रयास 2-3 वर्षों में हुआ है एक परिणाम तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ा कि देश के 5 राज्यों में जम्मू कश्मीर भी शामिल हो गया। अब ये पांचवें 5 राज्यों में शामिल होने से हमें संतोष नहीं है। मुझे लगता है कि जो इंटरवेंशंस प्रपोज की गई एपेक्स कमेटी ने जो इंटरवेंशन प्रपोज किया है अगर हम सब उसे ज़मीन पर उतारने में सफल हुए और मुझे विश्वास है कि हम सफल होंगे तो अब आगे हमें ये कहना है 3 साल बाद कि देश में सबसे ज़्यादा कृषि आमदनी वाला राज्य जम्मू कश्मीर है। इस लक्ष्य के साथ हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अनेक पड़ाव आए हैं इस यात्रा में, अनेक निर्णय एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर एनिमल हस्बेंड्री डेयरी सेरीकल्चर हर चीज़ कैसे फॉर्डर में हम जो बाहर से आता है उसे कम कर सकते हैं हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। मुझे लगता है कि आज लोगो भी उसका लॉन्च हो गया, ट्रेनिंग का प्रोग्राम जोर शोर से चल रहा है। 10 अप्रैल तक लगभग 638 सेशन। अब इस ये किसानों को ट्रेन करना ये बड़ा काम है। मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने एग्रीकल्चर और एलाइड डिपार्टमेंट के सभी साथियों का जो इस अभियान के साथ पूरी शिद्दत से जुड़े हुए हैं। और आप किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि ये प्रशासन का अभियान नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के किसानों का अभियान है। और आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी ज़रा 10 लोगों को इस बात में प्रशिक्षित करने में हमारी मदद करिए। और मैं अपने एग्रीकल्चर और एलाइड डिपार्टमेंट के सभी साथियों की तपस्या को मैं समझ रहा हूँ और बड़ा इम्तिहान इन्होंने उत्तीर्ण किया है, बड़ी परीक्षा पास की है। मैं इन सबको हृदय से बधाई देना चाहता हूँ और इस परियोजना को किसी सरकारी परियोजना की तरह काम करने की मनसा नहीं है और इसीलिए हमारे सभी लोग पूरी संवेदनशीलता से कर्मठता से इस काम को जी जान से कर रहे हैं। और ये इसलिए कि जम्मू कश्मीर का एक स्वर्णिम भविष्य का जो ये मेगा प्लान है ये केवल कागज़ में नहीं ज़मीन पर उतरे इसके लिए कोशिश हो रही है। बड़े बहुत सारे किसान भाई हैं
इस विषय पर अनेक बार चर्चा हुई है। ये 5,013 करोड़ रुपए कहने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन उसको उपलब्ध कराना, जम्मू कश्मीर जैसे एक छोटे से यूनियन टेरिटरी में जहाँ न पानी का पैसा आता है न बिजली का, और हाउस टैक्स में अगर नॉमिनल लगा दिए देश में सबसे कम, तो हल्ला हल्ला से होता है। चाहिए सब सेवा का कोई पैसा हम न दें। मैं समझता हूँ कि इस पर सबको विचार करने की आवश्यकता है। जनता सर्वोपरि है, जनता के हितों का ध्यान रखना ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन जो सक्षम लोग हैं अगर वो सेवाओं के लिए शुल्क नहीं देंगे, अब आईफोन खरीदने के लिए पैसा है, डेटा इस्तेमाल करने के लिए पैसा है, दिन भर वीडियो और गेम के लिए भी पैसा है, मुझे लगता है कि इस पर आप सबसे, मैं इसलिए भी ये बात कह रहा हूँ कि सबको एक विचार करके कैसे चलना है, इसका एक रास्ता बनाना होगा। लुलू साहब ने आपको विस्तार से बताया है कि इसके कारण हमारी जीडीपी को कितना लाभ होने वाला है, और मैं मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर देश का पहला यूटीआई राज्य बन गया है जो इस बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में इतना बड़ा रिफॉर्म कर रहा है। और वाइस चांसलर साहब ने बताया 21 तारीख को कोशिश हो रही है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हो जाएं, चाहे वो इस्कॉस्ट कश्मीर हो, इस्कॉस्ट जम्मू हो, या बाकी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हों, इसकी भी चर्चा हो रही है। उसमें एक बात देश के विदेश मंत्री ने उस दिन कही थी, जयशंकर जी ने, फूड सिक्योरिटी की, और अब फूड सिक्योरिटी से दुनिया आगे सोच रही है कि ऐसी फूड सिक्योरिटी जिसमें प्रोटीन भी, और ये गौरव भारत को हासिल है कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ ने अगर 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया है तो उसमें भारत का बड़ा भारी प्रयास है। अब हमारा देश प्रयास करके इस वर्ष को मिलेट ईयर घोषित करावे, और हम लोग अगर उसको प्रोत्साहन न दें तो मुझे लगता है ये हम थोड़ा नाइंसाफ़ी होगी। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जम्मू कश्मीर में भी मिलेट ईयर, वास्तव में मिलेट के उत्पादन में हमारी रुचि बढ़े, इसे हमें करने की ज़रूरत है। किसान भाइयों की निर्भरता को कैसे आत्मनिर्भरता में परिवर्तित किया जाए, एक दो क्रॉप की निर्भरता को कैसे खत्म करके रोड मैप ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जाएं जिनसे और ज़्यादा वो पैदावार कर सकें। अभी कुछ दिन पहले बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ, आप में से अनेक लोग गवाह हैं, हम लोगों ने एक बैठक करी थी, तो जहां सरकार फंड का इन्फ्यूजन कर रही है, वहीं बैंकों से भी निरंतर हम संपर्क कर रहे हैं कि कृषि क्षेत्र और एलाइड सेक्टर को अधिक से अधिक क्रेडिट लिंकेज, जो नेशनल एवरेज है वो तो प्राप्त करना ही है, अभी उससे हम काफ़ी पीछे हैं। और उस दिन मैंने एक बात कही थी कि रीजन वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज सबको अधिक से अधिक मिले, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर से आप सबको इस बात की बधाई देता हूं, और जो ग्रोथ रेट हमने लक्ष्य रखा है कि अभी 2% से हमको 11% मैं कोई एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट नहीं हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये बड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच इन लोगों ने रखा है। जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है और जो ग्रोथ रेट है, अगर ईमानदारी से और सही में हमने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया तो यकीन मानिए 12% के ऊपर ही हमारी एग्रीकल्चरल ग्रोथ होगी और कंट्रीब्यूशन भी बड़ा होगा। एग्रीकल्चर और लाइफ सेक्टर के लगभग हर एक प्रोजेक्ट के लिए टाइमलाइन, कुल लागत, कुल रोजगार, किसान भाइयों की आमदनी में होने वाला इजाफा, हर एक पहलू का खाका उसमें खींचा गया है, और हमारा संकल्प और विजन ये दोनों बड़ा स्पष्ट है, और हौसले बुलंद हैं हमारे एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर के हमारे सभी सहयोगियों का। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि एक समावेशी और टिकाऊ विकास हर एक
किसान के जीवन में आवे, ये एक सुखद बदलाव जम्मू कश्मीर के 13 लाख परिवार महसूस कर सकें। और मुझे लगता है कि जिस दिन ये स्थिति पैदा होगी, निश्चित रूप से हमारी आर्थिक समृद्धि भी होगी, शांति भी होगी, रोजगार के अवसर भी होंगे, और जो सपना आप सबका है, उस सपने को हकीकत में बदलने में हम सब सफल होंगे। इतनी ही बात कहता हुआ मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापन करता हुआ अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।